भाई साहब, आप मुझे सिर्फ 5,000 रुपये दे दें, उसके बाद मैं आपको टाइपिंग की जॉब प्रोवाइड करूंगा और आप डेली के 1,000 रुपये कमाना शुरू कर देंगे। आप मुझे सिर्फ 2,000 रुपये दे दें और उसके बाद डेली आपने सिर्फ घर बैठ कर टाइपिंग करनी है और पैसे कमाने हैं। और उसके बाद होता है क्या कि वो लोग आपसे पैसे लेते हैं और बाद में आपको ब्लॉक कर देते हैं, ना आपको जवाब देते हैं ना कुछ। आपने टाइपिंग की या नहीं की, उन्होंने पैसे ज़रूर कमा लिए टाइपिंग करके, यू नो, ईमेल करके। वो समझ रहे हैं ना आप लोग? तो अगर आप लोग वाकई में टाइपिंग करके ऑनलाइन अर्निंग अपने घर बैठे करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऑनलाइन टाइपिंग जॉब शेयर करने वाला हूं, जो कि आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप लोग ये काम खुद करते हैं, यानी कि खुद टाइप करते हैं, तो सबसे अच्छी बात है, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टूल्स भी शेयर करने वाला हूं, यानी कि अगर कोई बंदा कहता है यार मेरे पास पैसे हैं, मैं ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकता, मैं चाहता हूं कि टूल्स या सॉफ्टवेयर कोई मेरे लिए ये काम कर दे, तो वो टूल्स भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग वाकई में ही रियल में टाइपिंग करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाय द वे, ये जो वेबसाइट है ये fiverr.com है। अगर आप लोगों को नहीं पता, तो फाइवर एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप लोग अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपसे पैसे नहीं लेता, ठीक है? आप जाते हैं फ्री है, अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपनी सर्विसेज लिस्ट करते हैं, कोई बंदा आपसे परचेज करता है और आप उसके बदले में पैसे कमाते हैं। सो इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो नंबर वन यहाँ पर जॉब है वो है जी सबटाइटल्स। अब सबटाइटल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने अक्सर यूट्यूब की वीडियोस में देखा होगा कि लोग बोल रहे हैं और नीचे सबटाइटल्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, नीचे इंग्लिश में सबटाइटल्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि ट्रांसलेट होकर वर्डिंग यहाँ पर ऐड हो रही है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसका फ़ायदा क्या होता है कि एक तो एंगेजमेंट ज़्यादा होती है। अगर आपको मेरा कोई वर्ड समझ नहीं आया, तो मे बी नीचे इंग्लिश में जो सबटाइटल ऐड हुआ उससे आपको मेरी वर्डिंग समझ आ जाए। इसके अलावा जो वीडियो क्रिएटर होता है या कॉन्टेंट क्रिएटर होता है, उसकी रीच बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये वीडियो हिंदी में, उर्दू जो लोग समझते हैं, हिंदी समझते हैं, उनको तो समझ आ रही है, बट जो लोग ये दोनों जुबानें नहीं समझते, तो अगर मैं इंग्लिश सबटाइटल ऐड कर देता हूं तो वो भी इस वीडियो को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं। तो इससे वीडियो की रीच भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोगों ने बड़े बड़े क्रिएटर्स को देखा होगा कि वो सबटाइटल्स ऐड करते हैं और उससे उनकी रीच भी बढ़ती है और एंगेजमेंट भी बढ़ती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी वीडियोज को, उनके कॉन्टेंट को वॉच करें। तो नंबर वन जॉब है जी सबटाइटल्स। नंबर टू यहां पर जॉब है जी आर्टिकल राइटिंग। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ब्लॉग्स के ऊपर जाते हैं आप, आर्टिकल्स पढ़ते, मुझे पता है आप कितना पढ़ते हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है ना सुनने में, अमल भी कर लो, पढ़ लिया करो। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो वहां पर आप जाते हैं, लोगों ने आर्टिकल्स लिखे होते हैं, ब्लॉग पोस्ट लिखी होती है, आप उन्हें रीड करते हैं। वहां पर इंफॉर्मेशनल भी होते हैं, मोटिवेशनल भी होते हैं, बहुत सारे टाइप के कमर्शियल आर्टिकल राइटिंग आ जाती है, बहुत टाइप की आर्टिकल राइटिंग आ जाती है। तो आप राइटिंग करके उनके लिए जो भी आपकी, यू नो, आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप परफेक्ट हैं, आप उसके बारे में अच्छे जानते हैं, अच्छी नॉलेज अच्छा लिख सकते हैं, तो आप आर्टिकल राइटिंग भी कर सकते हैं। वेट कीजिएगा, मैं आपको टूल्स भी बताने वाला हूँ, आप ये सभी जॉब ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, जरा सब्र रखें, पहले जॉब समझ लें। नंबर थ्री पर यहाँ पर है जी कॉपी राइटिंग। अब कॉपी राइटिंग को बहुत सिंपल करके मैं बता देता हूँ, यानी कि आपने, आपको एक टास्क दिया जाएगा कि यार ये हमारी प्रोडक्ट है या ये हमारी एड है, इसके बारे में एक कोई ज़बरदस्त सी आपने एक लाइन्स लिख देनी है कि लोग पढ़ते ही उस पर ऐसे करके जाएं। आप लोगों ने अक्सर एड्स देखा होगा, बड़ी अच्छी लाइंस वहाँ पर लिखी होती हैं, बड़ा अट्रैक्टिव और बहुत मार्केटिंग टेक्निक्स के साथ उसको लिखा जाता है, कि पढ़ने वाले को एक तो मज़ा भी बहुत आता है, वो इससे एंगेज भी होता है और फिर वहाँ पर एक्शन भी लेता है जो होने चाहिए होता है। तो कॉपीराइटिंग एक बहुत अच्छी जॉब है, हाई इन डिमांड स्किल है, आप इसे ज़रूर सीखें। और फाइवर पर कॉपीराइटिंग ईमेल के ऊपर अभी कंपटीशन भी कुछ नहीं, जस्ट 621 सर्विसेज अवेलेबल जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आप अभी बताता हूँ टूल के थ्रू ये कैसे करेंगे। नंबर फोर पर जॉब है वो है जी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर। अब ये क्या काम है जी, आपने अक्सर देखा होगा अमेजोन के ऊपर, दराज के ऊपर लोगों ने प्रोडक्ट्स लिखी होती है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है। अब ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपको पता होगा कि यार डिस्क्रिप्शन को जस्ट प्रोडक्ट के फीचर्स बताने के लिए, ज़्यादा ये प्रोडक्ट क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें बताने के लिए डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, लेकिन नहीं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का जो सबसे बेस्ट यूज़ है वो ये है कि आप उससे अपने प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अमेजोन पे जाते हैं, दराज पे जाते हैं, वहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो यार वो टॉप पर जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक फैक्टर ये होता है कि उनकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो SEO ऑप्टिमाइज्ड होती है, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर सर्च इंजन में, उस शॉपिंग का जो सर्च इंजन है उसके ऊपर रैंक कर रहे होते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर की बहुत ज़्यादा डिमांड, आपको भी पता है ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान में, इंडिया में ई कॉमर्स अब काफ़ी ग्रो कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर की डिमांड बढ़ेगी। नंबर फाइव पर जो जॉब है वो है जी इंस्टाग्राम कैप्शंस। तगड़े तगड़े अच्छे अच्छे कैप्शंस, बार दफ़ा क्या लिख रहे होते हैं लोगों को, जब कोई कैप्शन नहीं मिल रहा होता लिख देते हैं कि भैया कोई आपको बेस्ट कैप्शन लिख दे कमेंट के अंदर, मतलब जब उन्हें कुछ नहीं ना मिलता तो आप लोगों के ऊपर डाल देंगे यार आप कुछ लिख दें। हम भी करते हैं ये काम। अच्छा
इस वीडियो के नीचे भी कोई अच्छा सा लिख दीजिएगा कमेंट, बड़ा अच्छा लगेगा। तो आप इस इंस्टाग्राम कैप्शंस की भी सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कैप्शन एंगेजिंग होगा, आपकी पोस्ट एंगेजिंग होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट करेंगे, उसकी रीच बढ़ेगी, उनके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, उनका बिजनेस ग्रो होगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी राइटिंग जॉब्स हैं जो आप ऑफर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप अगर, तो ये काम मैंने आपको जॉब्स बता दी कि आप ये खुद किस तरह कर सकते हैं, अगर आप इनमें से किसी भी काम में अच्छे हैं या यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार मेरे पास पैसे हैं, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ टूल्स एंड सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पर मैं दो टूल्स आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। नंबर वन इज स्केलनट एंड नंबर टू इज जैस्पर, इसका पुराना नाम जावस है, अभी जैस्पर है। ये दोनों टूल्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग बहुत अच्छा कॉन्टेंट चाहते हैं, कम से कम एरर्स के साथ कि आपको ज़्यादा पंगे ना लेने पड़े, तो भाई मैं आपको जैस्पर रिकमेंड करूँगा। इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाई है, ज़्यादा नहीं, बट यार इसके रिजल्ट्स बहुत कमाल के, मैं भी इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये $29 पर मंथ में आपको मिल जाता है इसका स्टार्टर प्लान, जिसमें 20,000 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। 20,000 वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका बॉस मोड भी है, यहाँ से आप अपने हिसाब से पैकेज एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बॉस मोड के अंदर आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मिलता है, इसके अंदर लॉन्ग फॉर्म नहीं मिलता, यानी कि आप कंप्लीट आर्टिकल एक साथ नहीं लिख सकते, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पैराग्राफ्स में करना चाहते हैं, तो वो स्टार्टर प्लान में लॉन्ग फॉर्म कंटेंट इसमें नहीं मिलता बेसिकली। तो ये $29 पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है। स्केलनट की जहाँ पे बात की जाए, तो स्केलनट को अगर आप मंथली बाय करते हैं तो ये आपको मिलता है $29 पर मंथ में, लेकिन अगर आप इसको ईयरली एक साल का इकट्ठा बाय कर लेते हो तो ये $12 पर मंथ में, तकरीबन आपको $144 में एक साल के लिए ये टूल मिल जाता है। और इस टूल की एक और बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि ये इसके अंदर एक फ्री फॉरएवर प्लान भी है, यानी कि $0 पर मंथ के अंदर आपको ये फ्री में भी मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर 2000 वर्ड लिमिटेशन है। बट एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप इस फ्री में यूज़ करना चाहते हैं, तो यस स्केलनट फ्री में अवेलेबल है, आप इसे यूज़ करें, आपको टूल पसंद आ जाए, यूज़ करना आ जाए, उसके बाद आप इसको प्लान को अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात की जाए, तो क्वालिटी में जैस्पर बहुत परफेक्ट है, बट अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं AI राइटिंग के अंदर, तो यस आप स्केलनट यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप इसको एक साल के लिए लेते हैं तो काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में ये टूल आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यार आप इसे लिखेंगे कैसे। देखिए मैं स्केलनट के अंदर मतलब लॉग इन कर लिया है, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटर मिल रहा है, इसके अलावा ब्लॉग टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और भी बहुत सारी चीज़ें, लिंक्डइन टेक्स्ट ऐड, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए वीडियो डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से वीडियो डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, कहता है जी वीडियो का टाइटल बताएं, ठीक है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे कि 5 बेस्ट ऑनलाइन टाइपिंग जॉब्स, ठीक है ये मैंने कुछ भी टाइटल लिख दिया, अभी मैं जेन में नहीं आ रहा, चलो मैंने ये लिख दिया, मैंने जनरेट के ऊपर क्लिक किया, देखते हैं ये कैसे रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन दिस वीडियो वी विल शो यू द 5 बेस्ट ऑनलाइन टाइपिंग जॉब्स दैट आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, दीज जॉब्स आर परफेक्ट फॉर पीपल हु वांट टू मेक मनी, सम एक्स्ट्रा मनी ऑनलाइन। तो ये देख रहे हैं यहाँ पर इसने काफ़ी अच्छे जनरेट कर दिए। इसके अलावा अगर आप रीजनरेट के ऊपर क्लिक करते हैं या जनरेट मोर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये आपको मजीद रिजल्ट्स दे देगा। इसी तरह अगर आप जैस्पर में आ जाते हैं, यानी कि जार्वस या जैस्पर दोनों नाम इसी के हैं, तो यहाँ पर देखें कंटेंट इम्प्रूवर, लॉन्ग फॉर्म असिस्टेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फेसबुक एड, प्राइमरी टेक्स्ट, एड हेडलाइन, यानी कि ये जितनी सर्विसेज आपको यहाँ पर लिस्ट आ रही है, आप सेपरेट इनकी गिग क्रिएट करके इन टूल्स से पैसे कमा सकते हैं। इन दोनों टूल्स के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे, दोनों में से जो टूल आपको पसंद हो। ज़्यादा पैसे हैं अगर आपके पास तो मैं रिकमेंड करूँगा आप जैस्पर को लें, अगर थोड़ा कम बजट है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्केलनट लें। अगर आप मेहनत खुद नहीं करना चाहते, कम मेहनत के अंदर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाना चाहते हैं, तो आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं और एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट एनी स्किल करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो भाई जान ये प्लेलिस्ट आ रही है, ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, इसको जाके लाजमी वॉच करें, बहुत ही बेहतरीन एफिलिएट प्रोग्राम मैंने आपको बताया। अच्छा तो इसलिए इस प्लेलिस्ट को लाजमी आप वॉच कीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।